Hey, bro, say no more. Love thy wife, Nita, Senorita. I should be vegan. Oh, really? I should be vegan. Don't tell me. I should be vegan. You're crazy. I should be vegan. Let me tell you a story that's so funny. Honey, you laugh, showing your butt. Yeah, yeah. Every time the curtains open, new plot, new emotion. You scream, you shout, yeah. Giggle, giggle, all out. The soap, so slippery. You cry, you're humorous. Yeah. I shake your baby gun. अशोक कुमार जी, क्या बात है, आप स्वर्ग में जाइए। भावना जी, स्वर्ग में। आप भी नरक में। आप स्वर्ग में। आप भी स्वर्ग में। ये बढ़िया, ये धूप है। ए परशुराम, धक्के क्यों मार रहे हो? जिंदगी भर नीचे धक्के खाता रहा, यहाँ भी धक्का। राम राम। धीरे धीरे भाइयों, ये कोई घासलेट या रेलवे की लाइन नहीं है। धीरे धीरे। यहाँ से तो अच्छी रेलवे की लाइन थी, कम से कम वहाँ सर पे छत तो थी। क्या नाम है तुम्हारा? रामलाल। जिंदगी भर दूसरों के सर पे से छत छीनते आए, अब तुम्हें यहाँ पे भी छत चाहिए? चलो आगे बढ़ो, नर्क में जाओ। श्रीमती कृष्णकांत राधा देवी। चित्रगुप्त जी, आप मुझ पर लांछन मत लगाइए, मैं एक भारतीय नारी हूँ। अरे, मैंने कहा आप पे लांछन लगाया, मैंने तो सिर्फ आपका नाम पुकारा। अरे, किसी गैर मर्द के साथ मेरा नाम जोड़ रहे हैं और ऊपर से कहते हैं मैंने कब लांछन लगाया। मेरे पति का नाम कृष्ण कांत ही दीवानचंद है, दीवानचंद। अरे, आपकी कुंडली में तो अभी जीना लिखा है, फिर तुम यहाँ कैसे? ये सवाल आप मुझसे पूछने की बजाय अपने इस मूर्छित यमराज से क्यों नहीं पूछते? बताइए यमराज जी, ये सब क्या है? हमने आपसे किसे लाने के लिए कहा था और आप किसी और को ही उठा कर लेके आए? मैं क्या सड़क पे पड़ी हूँ जो ये उठा कर ले आए? Mind your language, चित्रगुप्त जी। I'm sorry madam, excuse me। यमराज जी बताइए, ये गलती क्यों? इस गलती के नाम पर याद आया, शायद बुढ़ापे की वजह से मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। अब पृथ्वी लोक पर देखिए कितनी आबादी बढ़ गई है, एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं। अब हम यमराज को कंफ्यूजन नहीं तो और क्या होगा? यमराज जी, हम इंसान के रूप में देवता हैं। अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो इन लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अरे, क्या गलती गलती लगा रखी है? आपकी इस गलती की वजह से मैं तो कहीं की नहीं रही ना। पृथ्वी लोक में मेरी बच्ची और मेरे पति का पता नहीं क्या होगा। अब मैं क्या करूं? शांति, चित्रगुप्त जी, हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। इनके शरीर में इनकी आत्मा डाल देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये सही उपाय है। आओ देखें। कहाँ देखें? पृथ्वी लोक में। कहाँ है पृथ्वी? नीचे। तेरी मम्मी ऊपर चली गई है।
भगवान के पास, वहां से देख रही है बेटा, अगर तू रोएगी तो फिर उसे दुख होगा ना, रोते नहीं। आशिक बीबी का। देखो राधा देवी, तुम्हारे शरीर का तो दाह संस्कार हो चुका है, इसलिए अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकता। कौन सी मदद? तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को ऊपर मंगवा लेता हूँ। अरे चित्रगुप्त जी, आपको किसने ये पोज दे दी? आपको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। अरे मेरा पति कोई सामान है जिसे जब चाहो ऊपर मंगा लोगे। अगर आपने इसके बाद कभी ऐसी बात की ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप भगवान हैं। वैसे भी मैं अपने पति को एक काम सौंप कर आई हूँ। कैसा काम सौंप कर आई हो? तुम औरतें तो अपने पति को उंगलियों पर नचाती रहती हो, और उसे मरने के बाद भी काम सौंप कर आई हो। तुम्हारे सामने बेचारी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ऐसा मत कहो राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओ। जब देखो बीच में बोलने लग जाते हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बोलने दीजिए मेरी बात। हाँ, मेरी बेटी को बहुत प्यार से पालना। जब ये बड़ी हो जाए, इसकी शादी एक अच्छे लड़के से एक अच्छे खानदान में करवाना। आपके जैसे खानदान के लड़के से नहीं। और मेरी बेटी उस लड़के के साथ खुश है या नहीं, ये देखे बगैर मत आना। मेरा ये काम किए बगैर अगर आप स्वर्ग या नर्क में आए, तो मैं आपको वहां घुसने नहीं दूंगी। समझ रहे हैं ना? आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी बेटी। पता है मुझे इतने दूर क्यों ले आए हो तुम लोग? लेकिन बेटी, तुम्हारी बच्ची अभी छोटी है, उसकी जिंदगी की कहानी अब लिखी जाएगी, और उसकी कुंडली में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन तुम्हारे पति के पास भी बहुत कम वक्त है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप दोनों ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो नहीं बेटी, नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो गलती की है, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और यमराज जी, मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी, अब ऐसी गलती पे दोबारा कतई नहीं करूंगा। अरे सिर्फ इतना कह देने से क्या होगा? आप लोगों को मुझे ये वचन देना होगा कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती, तब तक आप लोग मेरे पति को यहाँ नहीं बुलाएंगे। वचन दो, वरना वरना। हाँ भैया, मैं वचन देता हूँ। और आप दो वचन। मैं भी देता हूँ।
मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने जो वचन दिया था तुम, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे खानदान में कराऊंगा, अच्छे खानदान में। राधा, मैंने अपनी बेटी को बड़े संभाल कर पाला है, काश तुम यहां होती तो देखती कि मैंने उसे दिल से लगा कर रखा है। राधा, 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 राधा। क्या हुआ भैया, आप नींद में राधा भाभी का नाम क्यों ले रहे थे? अरे क्या बताऊं कमला, तुम्हारी भाभी फिर सपने में आई थी और मुझे याद दिला रही थी कि मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में अच्छे लड़के से करूं, और मैं उन्हें समझा रहा था भाई मुझे सब कुछ याद है, मैं भूला नहीं। भैया, नीता को लेकर भाभी की चिंता बिल्कुल सही थी, वैसे भी नीता बड़ी हो गई ना, उसकी शादी की उम्र हो गई है। मैं जानता हूँ, लेकिन नीता की शादी के पहले मुझे दो शादियां और करवानी हैं तुम दोनों की। भैया आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, पता नहीं भगवान ने हमारे लिए लड़के बनाए भी हैं क्या, बनाना ही भूल गए। लेकिन भैया एक बात है, यकीन मानिए जिस दिन हमें अपनी पसंद का लड़का मिल गया ना, हम आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे उसे। हाँ। इसी इंतजार में तो इतने बरस गुजर गए, अगर समय रहते तुम दोनों ने कोई लड़के पसंद कर लिए होते ना, तो अभी तुम्हारी शादी के बजाय मैं तुम दोनों के बच्चों की शादी की बात कर रहा हूँ। कैसी बातें करते भैया, नीता भी तो हमारी बच्ची जैसी है ना। आप हमारी शादी की चिंता छोड़ दीजिए और नीता की कीजिए। अरे लेकिन नीता है कहाँ, उठ गई क्या? नीता बेटी। अरे नीता, 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 नीता कहाँ है? अपने कमरे के बजाय। ओ, तो आप इसलिए परेशान हैं? नहीं, तुम्हारी माँ फिर सपने में आई थी। तो आपको तो खुश होना चाहिए। वो मुझे खुशी देने नहीं, बल्कि समझाने आती। हर बार बस एक ही बात की रट लगाती। और आप परेशान होकर मेरे पास चले आते हैं। फिर आपका टेंशन कैसे खत्म होता है? अब मेरा टेंशन दूर हो गया। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आप मेरा ध्यान तब रख पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ हों। जाइए जाइए, वॉक पे जाइए। ओके। अच्छा, लाफ्टर क्लब में भी अच्छे अच्छे जोक सुनाए जाते हैं भाई, बड़ा मजा आता है। अच्छा दीवान साहब, हम लोग चलते हैं। हम चलते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, अभी बैठिए ना, नींबू वाली चाय पिलाता हूँ आपको। चलिए, आइए 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 आइए।
नागेश। अरे भैया 4-5 कप नींबू वाली चाय भेजना। क्या जोशी, अपनी बेटी की शादी करवा दी, हमें बुलाया तक नहीं। अरे यार ये गलत बात। अरे भाई मैं पहले से शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिएगा दोस्तों। बेटी की शादी करवाने में शर्मिंदा होने की क्या बात है भाई, मैं तो ऐसा नहीं मानता। जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मेरी बेटी ने शादी की, वैसे तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्यों, क्या किया उसने? अरे भाई एक दिन वो किसी लड़के को लेके मेरे सामने आ गई और कहने लगे कि पापा ये तुम्हारा दामाद है। मैं तो शॉक हो गया। भाई ये गलत बात, तुम्हारी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकी बेटी ने तो जो करना था उसने कर लिया। देखिए दीवान साहब, आपकी भी एक लड़की है, देखिएगा कहीं वो। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी बेटी नहीं है। देखिए मेरी बेटी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। अरे भाई हर बाप का अपने बेटी के प्रति यही राय होती है। अब मेरा ही देखो, मैंने कभी सोचा था कि मेरी बेटी इस प्रकार का व्यवहार करेगी, लेकिन नहीं, इसने किया वही किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ दीवान साहब, आज के जमाने में देखा है लड़के का कोई गर्लफ्रेंड हो ना हो, लेकिन लड़की का बॉयफ्रेंड होता ही है। देखो भाई, दोस्त होने के नाते पहले से आगाह करके रखता हूँ, अपनी बेटी से पूछ लेना कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड वीफ्रेंड है या नहीं, और अगर है तो पहले से उसकी पूरी जानकारी हासिल करके रखना। भाई ऐसा ना हो कि बाद में पछताने के सिवा हाथ में और कुछ ना रह जाए। यार मैं अपनी बेटी को लेकर वैसे ही परेशान रहता हूँ, तुम्हारी बातों ने तो मुझे और टेंशन में डाल दिया। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। जब भी मैं नीता को पुकारता हूं तुम दोनों गिरती प्रति मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हो। आप हम दोनों को कभी प्यार से बुलाते भी नहीं है ना, इसीलिए। हम आपकी बहनें हैं, कभी हमें भी तो प्यार से बुला लिया कीजिए। 25 साल से तुम दोनों से प्यार ही तो करता आ रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं। कितने लड़के तुम्हारे लिए पसंद करके लाया मैं, लेकिन तुम्हें एक भी पसंद नहीं आया। अब इसकी वजह से तुम ये समझो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता तो ठीक है। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, आप हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी पसंद और नापसंद मायने भी तो रखती है ना। हाँ हाँ वो तो ठीक है भाई, लेकिन एक पसंद के लिए इतना इंतजार, ये कोई अकलमंदी की बात है क्या? अगर हमसे गलती हुई तो हमें माफ कर दीजिए, हमारी दुआ है कि नीता आपके पसंद के लड़के से शादी करे बस। हाँ तुम देखना, नीता मेरे ही पसंद के लड़के से शादी करेगी। नीता 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 बेटा नीता आई। क्या हुआ पापा? नीता मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। क्या जरूरी बात करनी है पापा? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? ये कैसा सवाल है पापा? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? है। आज सुबह से आपको हो क्या गया है पापा? नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा सुनो, मेरी आंखों में आंखें डालकर फिर से इस सवाल का जवाब दो। इधर देखो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा बॉयफ्रेंड है। भैया,
पूछिए पूछिए सवाल पूछिए। क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? क्या करता है? उसका खानदान क्या है? अरे 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 पापा, एक एक करके सवाल पूछिए, इतने सारे सवालों का एक साथ जवाब कैसे दूंगी। हाँ तो पहला सवाल, क्या नाम उसका? उसका नाम शेखर। नाम तो अच्छा है। चुप। क्या करता है? चुप। मैं पूछूंगा। हाँ पूछ। क्या करता? चुप। ये बताओ कि तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ हुई? मेरी पहली मुलाकात? अरे यार, एक फॉर्म ही तो भरना, इतना भाव क्यों खा रही है? और तू क्यों इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आती रहती है? क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसलिए तुझे मस्का लगा रही हूँ। मस्का लगा? चल बकवास बंद कर, ठंडा मंगा। ठंडा और खाने को भी मंगाती तो फॉर्म तो भर। बेटा एक कोल्ड ड्रिंक, समोसा और सैंडविच जल्दी। मम्मी जी कहाँ हैं? माँ के पास वक्त नहीं था तो मैं अकेला चला आया तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने। इस तरह मेरे पापा तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ कभी नहीं देंगे?